हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम ट्रिक्स में। वीडियो में हम आप सभी से बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ हिंदी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट निबंध को लेकर के। निबंध है आपका इंटरनेट। हमारे आज के काल में यानी कि आज के समय में इंटरनेट का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इंटरनेट पर क्या पता आपका आ सकता है निबंध। तो मैंने सोचा इंटरनेट के बारे में बहुत बताना आप सभी को ज़रूरी है, बिकॉज इंटरनेट आज का ही एक बहुत ही फ्यूचर में आगे बढ़ने वाला है और आज का बहुत ही विकसित होने वाला सबसे तेज़ हमारा इंटरनेट ही है। तो इंटरनेट के बारे में हमें निबंध लिखने को आ गया है, तो हम कैसे लिखेंगे और किस प्रकार लिखेंगे, तो वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये इतना बड़ा निबंध आप देख रहे होंगे, मगर आप डरिए नहीं, पूरा निबंध आपको नहीं लिखना पड़ेगा। आपको कुछ शब्द में लिखना पड़ेगा निबंध, मगर ये पूरी हेडिंग आपको लिखनी पड़ेगी। आपको निर्धारित कर दिया गया कि निबंध में कितने शब्द आपको लिखने हैं, तो बस जितने शब्द आपको निबंध में लिखने को बताए जाएंगे उतने शब्द आप निबंध में लिखोगे, ज़्यादा नहीं लिखोगे दोस्तों। तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है, इस वीडियो का पीडीएफ मैंने दे दिया है, यानी कि इंटरनेट का ये जो पीडीएफ बना है आप सामने दिख रहा है आपके, इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर वाले लिंक में दे रखा है। जा करके आप डाउनलोड कर लीजिए डायरेक्ट इसका पीडीएफ और आपके फ़ोन में आ जाएगा ये, और अच्छे से तैयारी कीजिए। बिकॉज अगर मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मगर छोटी सी चीज़ आपकी क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे 7 हेडिंग दी गई हैं, नंबर 1 भूमिका, नंबर 2 इतिहास और विकास, नंबर 3 इंटरनेट संपर्क, और उसके साथ में साथ दिया गया है इंटरनेट सुविधाएँ और सेवाएँ, उसके बाद भारत में इंटरनेट, या फिर 6th हेडिंग है भविष्य की दिशाएँ, और उसके बाद उपसंहार। तो आप ये हेडिंग बनाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको कैसे करना है, आपको जैसे कि मान लो पहली हेडिंग भूमिका दी गई है, भूमिका में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। भूमिका आप यहाँ से शुरू करोगे और यहाँ तक के लिख करके ख़त्म कर दोगे। फिर उसके बाद अब दूसरी हेडिंग की बात करेंगे, तो दूसरी हेडिंग आती है इतिहास और विकास की। तो इतिहास और विकास में आप छोटा सा लिखोगे, जैसे कि इतिहास और विकास यहाँ से लिखना शुरू करोगे और यहाँ तक की, मतलब इतना मान लो कि हर एक हेडिंग में ज़्यादा नहीं लिखना है, छोटा छोटा लिखना है दोस्तों, ज़्यादा बड़ा लिखने की कोशिश नहीं करना है। बाकी तो आपको शब्द सीमा दी गई है, उसी शब्द सीमा के अंदर लिखने की कोशिश कीजिएगा, और जितनी ज़्यादा आप हेडिंग बनाओगे उतने ही ज़्यादा आपको अच्छा रहने वाला है और अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। अगर आप हेडिंग बनाएंगे नहीं और डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे तो आपके नंबर कट कर लिए जाएंगे। तो मेरी ये सलाह है आप सभी के लिए कि हेडिंग बना करके ज़रूर लिखिएगा। बस मैंने आपको यही बातें समझानी थी, तो डायरेक्ट इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ इसका डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक में दिया गया है, तुरंत जाएं दोस्तों और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लें। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।